नमस्कार, आप देख रहे देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। इन दिनों नूह में होने वाली ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा चर्चाओं में बनी हुई है। शासन प्रशासन इस ओर पूरा ध्यान देने में लगा है कि 31 जुलाई 2023 जैसी घटना फिर ना दोहराई जाए। इस बार 22 जुलाई से एक बार फिर ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा शुरू होगी और नूह के नल्हड़ शिव मंदिर में जल अभिषेक होगा। ऐसे में आगामी 22 जुलाई के लिए मेवात जल अभिषेक यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए हैं। जल अभिषेक यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने कई बड़े फैसले लिए। यात्रा के दौरान डीजे बजाने, भड़काऊ भाषण देने और हथियार लाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। वहीं आज नूह पुलिस कप्तान विजय प्रताप ने नूह फिरोजपुर झिरका और पुनहाना के सिंगार स्थित मंदिरों का जायजा लिया। देश रोजाना के संवाददाता यूनुस अलवी से बात करते हुए नूह पुलिस कप्तान विजय प्रताप ने क्या कहा, सुनिए। अभिषेक यात्रा 22 तारीख को आ रही है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? पूरा प्रशासन जलाभिषेक यात्रा के लिए तैयार है। इसी संदर्भ में आज मैंने दो मंदिर, क्योंकि ये कल मैंने विजिट कर ली थी, दोनों मंदिरों की सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को लेके और जो लोकल अधिकारी है और उनकी कमेटी है, जो मंदिर कमेटी है, उनसे बातचीत करी है और उम्मीद है कि सब कुछ बहुत ही अमन शांति से हम इसको करा पाएंगे। तो इसके साथ में कोई शांति रहे खास तौर पे, तो पीस कमेटी का भी साथ ले रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां पीस कमेटी की? हाँ बिल्कुल, इससे टॉप से लेके बेस लेवल तक लगभग हमने सभी लोगों का सहयोग मांगा है और लोगों ने भी बड़े उत्साह से सहयोग करने की बात कही है और ये बिल्कुल यादगार और बहुत ही अमन चैन वाली यात्रा। तो सर, क्या इस दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, क्या कोई ड्रोन से कोई निगल आ गई या और किस तरह की सुरक्षा है जिससे कोई सामाजिक तत्व कोई व्यवधान ना डाल सके? बिल्कुल, ड्रोन की हम मदद ले रहे हैं सुरक्षा कारणों से। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये यात्रा जाएगी, जहाँ जहाँ से गुजरेगी और कुछ चिन्हित जगहों पर हमने वीडियोग्राफी भी कराई है और कोशिश करेंगे कि पूरी यात्रा की वीडियोग्राफी भी रहे। तो सर, और इसके अलावा भी जो कारण है हर प्रकार के, उनकी भी देख रेख की गई है, उनको दिमाग में रखा गया है और उनसे संबंधित लगातार इंटेलिजेंस गैदर की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही शानदार यात्रा रहेगी। सर, पास का गांव है बिछोर, या दो तीन गांव पड़ते हैं जो 84 कोस में आते हैं, वहां पर हर साल जो है 84 कोस यात्रा निकलती है, कभी उसमें व्यवधान नहीं डाला गया। जो ये पिछले बार जो हुआ था 31 जुलाई को, उसमें कुछ तलवारें लेके आए थे, नाच गाने, कुछ पोस्टर डाली गई थी, तो क्या इस पर डीजे हो या भड़काऊ भाषण हो या नारेबाजी हो, इस तरीके से क्या है, कोई तैयारियां हैं या उनको आदेश देगा इस तरीके ना हो? बिल्कुल, इसको निषेध किया गया है, ना इस यात्रा में डीजे होगा, ना कोई लाउड स्पीकर होगा और ना ही किसी भी प्रकार के हथियार को लाने की इजाज़त रहेगी। तो हर तरीके से जो इस यात्रा को करवा रहे हैं, जो आयोजन करता है, उनको इस बारे अवगत करा दिया गया है और उन्होंने तमाम शर्तें मानी हैं। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से तो यही अपील है कि जिस भाईचारा के लिए मेवात प्रसिद्ध रहा है अब तक, उसी को हम और आगे एक कदम बढ़ाएंगे और एक नई मिसाल पैदा करेंगे। एसपी ने बताया कि यात्रा नूह मंदिर से शुरू होकर फिरोजपुर छिरका के शिव मंदिर पहुंचेगी, वहां से पुनहाना के गांव सिंगार में यहां यात्रा समाप्त होगी और जगह जगह पर यात्रा की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और ड्रोन से भी उस पर निगरानी रखी जाएगी। जो भी असामाजिक तत्व यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।